एक दुबे और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो आइए आज बनाते हैं बहुत ही कम घी और बहुत ही कम दूध से बन जाने वाली ये बहुत ही झटपट वाली रेसिपी, जो कि है नारियल की मिठाई की रेसिपी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए ये मजेदार रेसिपी को शुरू करते हैं। नारियल की मिठाई बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे कड़ाही और डाल देंगे यहाँ एक चम्मच घी। तो ये इसको अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। पहले हो चुका है तब हम क्या करेंगे ना कि अब यहाँ पे लिया है मैंने 250 ग्राम ये घिसा हुआ नारियल, तो ये डाल देंगे इसके अंदर। अब इसको स्लो फ्लेम जो है वो बिल्कुल स्लो कर देंगे ताकि ये जले ना। तो अब इसको भून लेंगे तकरीबन एक मिनट के लिए। इसको अच्छे से स्टर करते हुए हमने इसको भूनना है। बहुत क्विक बनती है और टेस्ट में तो बहुत ही मज़ेदार है ये रेसिपी। तो चलिए फटाफट से पहले इसको भून लेते हैं अच्छे से। ये देखिए बस ऐसे ही स्टर करते हुए आपको एक मिनट कम से कम भूनना है, वो भी बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। देखिए यहाँ पे भून रहा है ना, इसको हमने रेड नहीं करना, ब्राउन नहीं करना, सिर्फ इसको हल्का सा सिर्फ रोस्ट कर लेना है। तब तक हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ले लिया है मैंने दूध, जो कि है 2 बड़े चम्मच दूध। तो ये जो घी वाला चम्मच था ना, मैंने इसी के अंदर ही डाल दिया है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। तो अब हम क्या करेंगे ना कि यहाँ पर डाल दूँगी फूड कलर। यहाँ पे डाल रही हूँ मैं ये फूड कलर, ये लिया है मैंने रेड फूड कलर। आपके पास अगर कोई भी कलर हो ना, जिस भी कलर का आपको बनाना है तो आप उस कलर का बना सकते हैं। ये मैंने ले लिया है रेड फूड कलर। ये देखिए ये खूब बढ़िया से अच्छे से भून चुका है एक मिनट तक के लिए। तो मैंने क्या किया है यहाँ पे फूड कलर मैंने जो घोल के रखा था ना वो डाल देंगे इसके अंदर। ये देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब यहीं पे हम डाल देंगे शुगर। यहाँ पे फूड कलर मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे ना, आपके टेस्ट के हिसाब से शुगर डाल दीजिए इसके अंदर। तो यहाँ पे मैंने बड़ी चम्मच से ना 5 चम्मच बड़ी वाली जो होती है उससे 5 चम्मच मैंने शक्कर लिया था। तो आप देख सकते हैं 2 चम्मच दूध से और थोड़े से शक्कर से, मतलब शक्कर तो आपके टेस्ट के हिसाब से है, कितनी बढ़िया मिठाई बन के तैयार होगी अभी। तो ये देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। इसका कलर देखिए, देखिए ये जब शक्कर पिघल जाएगा ना, जो चीनी हमने डाली थी, तो उस टाइम पे ये इतना गीला हो जाएगा। पर इसको क्या करना है, हमने बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसको अच्छे से भूनते रहना है स्टर करते हुए, ताकि ये अच्छे से बिल्कुल ऑब्जर्व कर ले सब पानी। ये देखिए धीरे धीरे नारियल का बुरादा जो है ना, ये नारियल घिसा हुआ नारियल फटाफट से ऑब्जर्व करेगा। तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा स्लो फ्लेम पर करेंगे तो। और हाई फ्लेम पर करना भी नहीं है, नहीं तो ये जल जाएगा बहुत जल्दी। इसलिए स्लो फ्लेम पर बिल्कुल इत्मीनान से हमने इसको अच्छे से भूनना है। ये देखिए कितने अच्छे से बिल्कुल सूख चुका है, अभी आप देख सकते हैं स्लो फ्लेम पे बिल्कुल इसको भूनते हुए तकरीबन 5 मिनट यहाँ पे हो गए हैं। तब हम क्या करेंगे ना, ये गर्म है तो थोड़ा ध्यान से करिएगा। तो ये देखिए ये अभी लड्डू जैसा शेप जो है वो नहीं ले रहा है, ये देखिए। तो अभी हम इसको और भूनेंगे ताकि ये और ड्राई हो जाए, तो बनाना हमने लड्डू बहुत ईजी हो जाएगा। तो चलिए पहले अच्छे से भून लेते हैं। ये देखिए अब यहाँ पे ये बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो चुका है, ये दिखा देती हूँ मैं आपको बिल्कुल पास से। ये देखें तो बस अब हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे फ्लेम को कर देंगे ऑफ और इसको अच्छे से बिल्कुल ठंडा होने के लिए हमें प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए 15 मिनट के बाद ये बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे ना कि इसको हमने घी तेल हाथ में कुछ भी नहीं यूज़ करना। ये देखिए ऑलरेडी इसका जो ऑयल है ना वो क्या बोलते हैं रिलीज़ होता है एक नारियल का, तो इसलिए हमने कुछ भी नहीं लेना। बस इसको इस तरीके से लड्डू बना दीजिए, आपको जो भी शेप देना है वो आप दे सकते हैं, बर्फ़ी का भी शेप दे सकते हैं। पर उसको क्या करना पड़ेगा ना, थाली में आपको फैला के जमाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे बना रहे हैं लड्डू, तो इस तरीके से बिल्कुल लड्डू बना लेते हैं। ये देखिए तो यहाँ पर बना लिया है मैंने ये सारे लड्डू। अब क्या करेंगे ना, इसके लिए मैंने लिया है ये जिसको कि मैंने थोड़ा सा बचा लिया था नारियल का, ये जो घिसा हुआ नारियल है ना उसको बचा लिया था मैंने। अब क्या करेंगे, ये लड्डू ले लेंगे और इसको इस तरीके से कोट कर देंगे, तो देखने में इतना ब्यूटीफुल सा लगेगा ना कलर। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से आप चाहें तो ये कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, या तो फिर आप नहीं भी करिए, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। पर मैं कर दे रही हूँ, मुझे बहुत पसंद है इस तरीके से, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। बाकी ये प्रोसेस कम्प्लीट हो चुका है, ये ऑप्शनल चीज़ मैं दिखा रही हूँ, अगर आपको पसंद है तो आप करिए, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए तो ये देखिए यहाँ पे कोटिंग करके मैंने ये लड्डू को पूरा कंप्लीट कर दिया है और ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है और खाने में उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत क्विक रेसिपी है और बहुत जल्दी बनती है, बहुत ही टेस्टी लगती है, बच्चे को भी बहुत पसंद आएगी। तो ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो
तो मुझे ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एकदम मज़ेदार वाली रेसिपी के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।